हेलो, नमस्ते, आदाब। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। मेरे प्यारे दोस्तों, खबर आ रही है डिफेंस सेक्टर से, जहां बीते ट्यूसडे को यानी बीते मंगलवार को हमारे प्यारे इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट तेजस ने एक सक्सेसफुल टेस्ट पास किया है। टेस्ट पास किया है सक्सेसफुली। और टेस्ट क्या था? टेस्ट था तेजस से हमारे पाइथन 5 मिसाइल। मैं पढ़ के बताता हूँ पूरा, उसके बाद तेजस एयरक्राफ्ट हैज़ बीन क्लियर्ड टू कैरी अ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल एज अ पार्ट ऑफ इट्स वेपनरी। ठीक है, ये खबर है हमारे पास। तेजस एयरक्राफ्ट ने क्लियर किया है एक टेस्ट। टेस्ट क्या है? पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने का, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इट्स वेपनरी, यानी कि एज इट्स वेपन, उसके हथियार की तरह। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम ऐड करना चाहेंगे व्हाट इज पाइथन 5। ठीक है, अब सवाल आता है पाइथन 5 है तो है क्या भाई? ठीक है, पाइथन 5 के बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा इनपुट, थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। पाइथन 5 जो है हमारी, ठीक है, देखो, पाइथन 5 इज़राइल की सबसे ज़्यादा केपेबल, सबसे ज़्यादा घातक, हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, और शायद से दुनिया की सबसे एडवांस एयर टू एयर मिसाइल। समझ रहे हैं इस बात का मतलब? ठीक है, यानी कि हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है पाइथन 5। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन की मिसाइल है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा जाकर। ठीक है, क्या होता है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल? ये है मेरा जेट ए और ये है दूसरे का जेट बी। हम हवा में आपस में आमने सामने आए और हमारे बीच में लड़ाई हुई, तो इसने ए ने एक मिसाइल छोड़ी एक्स और बी ने छोड़ी वाई। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं? पाइथन 5 इज करेंटली इजराइल्स मोस्ट केपेबल एयर टू एयर मिसाइल एंड वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल इन द वर्ल्ड। ये पहला पॉइंट कहा गया। ठीक है, अब इतना तो काफी नहीं है ना, राइट? तो अब आगे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, थोड़ी सी इन्फो लेते हैं, और इन्फो है, ठीक है, ये कह रहे हैं भाई इट इज केपेबल, इसकी केपेबिलिटीज, जब भाई एडवांस है तो इसकी कुछ केपेबिलिटीज भी होंगी। तो इसकी केपेबिलिटीज कहते हैं इट इज केपेबल ऑफ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। यानी कि अगर मैं ये मिसाइल, यानी कि ए जो है वो ये मिसाइल लॉन्च कर देता है, ठीक है, बी पर, ठीक है, तो ये जो है इस मिसाइल, ये मिसाइल लॉन्च होने के बाद अपना टारगेट लॉक कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसको बी नहीं, ठीक है, बाद में कोई टारगेट है सी, उसको हिट करना है, तो इसका अगर टारगेट चेंज हो गया तो बी से सी को मार देगी जाकर। दैट्स द केपेबिलिटी। ठीक है, और दूसरी बात कह रहे हैं एज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। ठीक है, अब क्या है बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल? क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। क्यों? मतलब इसका क्या हुआ भाई, समझते हैं। यानी कि मेरा नाम ए है और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, और सी मेरा टारगेट है। ठीक है, सी तक तो मैं देख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन ये टारगेट है जेड जो कि पीछे है। अब ये मिसाइल क्या काम करेगी? ये मिसाइल, मैं तो जेड तक नहीं देख सकता, पर इस मिसाइल, ये मिसाइल जो है वो जेड तक ना सिर्फ अप्रोच करेगी, बल्कि ऐसे टारगेट्स जो कि हमारी नज़र से बाहर हैं, ठीक है, जिनको हम नहीं देख सकते, ये उसको भी हिट कर देगी। ठीक है, और उसके बाद ये सारी बातें इस मिसाइल के लिए बोली गई हैं। ठीक है, मैं आगे और ऐड करता हूँ। वो कह रहे हैं एंड हैज़ अ फुल स्फीयर, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस, यानी कि क्या होता है अटैक केपेबिलिटी। इसकी केपेबिलिटीज के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। केपेबिलिटीज के बारे में कहा गया है कि भाई इसकी केपेबिलिटी है कि हर डायरेक्शन में अटैक कर सकती है। ठीक है, यानी कि हम सब ने बचपन में पढ़ा था, ठीक है, अगर कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है वो ये जानता होगा कि हमारे पास दो एक्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, एक है भाई हमारा वाई, दूसरा है एक्स। लेकिन अगर किसी ने आगे एडवांस थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है तो वो ये जानता होगा, ठीक है, कि हमारे पास एक जेड एक्सिस भी होता है। अब क्या कह रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं। मेरी जो मिसाइल है, ठीक है, वो यहाँ पर है, ठीक है, इस जगह पे। अब मुझे लेटर से एक्स डायरेक्शन में अटैक करना है, इस डायरेक्शन में अटैक करना है, इस डायरेक्शन में अटैक करना है, इसमें अटैक करना है, कोई परवाह नहीं, हर जगह मारेगी। ठीक है, ये है इस मिसाइल की केपेबिलिटी। दोस्तों, आगे बात करेंगे और टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की तरफ। ठीक है, तीसरे स्लाइड में कहा गया है भाई, अब थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं।
पहले थोड़ा सा इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरे स्लाइड की तरफ बढ़ते हुए कहा गया है, भाई देखो इसकी लेंथ के ऊपर सबसे पहले इन्होंने बात की है। कह रहे हैं भाई मिसाइल की लेंथ है आपके 310 सेंटीमीटर, स्पैन 64 है, थोड़ा सा डिटेल्स बता रहे हैं, पढ़ लो इसको ऐसी, डायमीटर 16 सेंटीमीटर, वेट कितना है इसका 105 kg, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस किस तरह का होगा? गाइडेंस है इसका इंफ्रारेड प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग इमेजिंग सॉरी गलत बोल गया, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जानना होगा। फिर वॉरहेड की बात की इन्होंने, वॉरहेड है 11 kg का, यानी कि ये मिसाइल है भाई मेरी, ठीक है इसको मिसाइल समझना, भाई टांगों के लिए माफी है, ठीक है मेरी आर्ट ऐसी ही है, पर कोई नहीं समझ लेना। अब वॉरहेड है, यानी वॉरहेड क्या होता है, ये यहाँ पे भरा होता है, बाकी सारा यहाँ पे फ्यूल, ठीक है ये है आपका केवल वॉरहेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाई 11 किलो का मैं भर के चला जाऊँगा, ठीक है, और अगर ये ना हो, ठीक है अगर ये फ्यूल ना भरा हो तो इसके लिए क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा समझते चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं भाई ब्लैंक जो पूरी खाली मिसाइल है, इसका पूरा वेट है इस समय, ठीक है इसका पूरा वेट बता रहे हैं आपका 105 kg, ठीक है, और उसके अलावा वॉरहेड जो कि यहाँ पे भरा जाएगा वो 11 kg तक का भरा जा सकता है। ठीक है, रेंज की बात करें यानी कितनी दूर तक मार देगी हवा में, 20 किलोमीटर है भाई, ठीक है, और स्पीड है Mach 4, Mach 4 मतलब आवाज से 4 गुनी तेज गति पर ये मार करेगी। ठीक है, चल आगे पढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं न्यूज़ सो फार, अब न्यूज़ क्या है पूरी, तो दोस्तों बात है न्यूज़ सो फार, अब न्यूज़ क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहे हैं भाई Python 5 मिसाइल, ठीक है, वॉज फायर्ड लाइव, इसको लाइव फायर किया गया, ठीक है, टू वैलिडेट टारगेट एंगेजमेंट, यानी कि ये निशाना लगाता भी है या कैसा है टारगेट प्रैक्टिस में, इसकी मतलब सीधी बात है Python 5 मिसाइल के बलबूते पर जो है टारगेट प्रैक्टिस की गई, ये हमारा टारगेट है और ये हमारी मिसाइल है। ठीक है, इसको अब हर एंगल से, ठीक है, यानी कि इस टारगेट को इससे हिट करके देखा गया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ तक कि ये टारगेट अभी तो दिख रहा है, अब Python 5 यानी कि ये मिसाइल यहाँ पर थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज है, यहाँ से भी इसको टेस्ट करके देखा गया। अब हुआ क्या आगे बताता हूँ, और टेस्ट हवा में ऐसी मत समझ जाना दोस्तों, टेस्ट किस में किया गया, टेस्ट किया गया तेजस जो कि हमारा हमारा जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसमें रखकर। ठीक है, अब वहां से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया, उसने वहां से आकर भी इस टारगेट को हिट किया और बहुत ही अच्छी तरह से हिट किया। खैर अब बात करते हैं, सारे एंगल से टेस्ट करते हैं, यानी कि जैसे कि बताया था ना पिछले, जब जैसे कि आगे की लाइन में कहा गया है एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज, सारे एंगल से भी टेस्ट किया गया, यानी कि भाई XYZ तीन आपके एक्सेस हैं, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कहने भाई हर दिशा से ये मिसाइल यहाँ थी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि मैंने इस डायरेक्शन में भी, जब जेट यहाँ था और ये टारगेट यहाँ था, ठीक है मैंने तब भी फायर करके देखा तब भी हिट किया। ठीक है, मैं जेट मेरा ऊपर गया तब भी हिट किया, जेट यहाँ था तब भी हिट किया, सीधी तरह से इस बात को समझ लो, कहीं से भी था मतलब 360 डिग्रीज उसको हिट किया। ठीक है, और ये किसने पुष्टि की है, ये किसने कहा है, कुछ ऑफिशियल सोर्सेज ने, ठीक है कुछ ऑफिशियल्स ने, ठीक है कह रहे हैं मिसाइल हिट द एरियल टारगेट इन ऑल लाइव फायरिंग्स, यानी जितनी भी बार फायर किया गया उतनी बार मिसाइल ने टारगेट को हिट किया है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। न्यूज़ सो फार, अब फिर से देखते हैं अब हुआ क्या है। ठीक है, अब ये बात आगे बढ़ी और बात बता रहे हैं न्यूज़ सो फार। ठीक है, तेजस एडेड द 5th जनरेशन Python 5 एयर टू एयर मिसाइल टू इट्स एयर टू एयर वेपन कैपेबिलिटी ऑन ट्यूसडे। कह रहे हैं भाई तेजस में 5th जनरेशन की Python 5 मिसाइल एयर टू एयर जो कि मिसाइल है
वो ऐड हो गई है उसके वेपन कैपेबिलिटी में। वेपन कैपेबिलिटी में ऐड होने का मतलब ये है कि भाई कभी को अगर आवश्यकता पड़े, कभी को अगर ज़रूरत पड़े, तो पाइथन 5 मिसाइल लेकर भी तेजस अटैक करने निकल सकता है। ठीक है, अब उसके अलावा कुछ और बातें भी इन्होंने कही, उसके ऊपर भी चलिए आइए चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं भाई, ट्रायल्स वर ऑल्सो मेड, सॉरी गलत बोल गया, ट्रायल्स वर ऑल्सो एम्ड ऑल्सो एम्ड टू वैलिडेट एनहैंस कैपेबिलिटी ऑफ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ऑन तेजस। अब क्या कह रहे हैं भाई, पाइथन 5 तो थी ही थी, लेकिन पाइथन 5 अभी इंडक्ट नहीं हुई। डर्बी जो कि ऑलरेडी एक इंडक्टेड मिसाइल है, इंटीग्रेटेड मिसाइल है, ठीक है, एयर टू एयर मिसाइल है जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज काम करती है, उसका भी इन्होंने टेस्ट किया। किसके साथ? तेजस के साथ। ठीक है, और उसके बाद जब टेस्ट हुआ तो उसके रिजल्ट्स के ऊपर भी ऑफिशियल्स ने कुछ बयान दिए हैं, आइए देखते हैं। डर्बी मिसाइल अचीव डायरेक्ट डायरेक्ट हिट ऑन अ हाई स्पीड मैन्यूवरिंग एरियल टारगेट। यहाँ पे कह रहे हैं भाई देखो, डर्बी मिसाइल जो थी हमारी, उसने अचीव किया डायरेक्ट हिट, यानी कि ये मेरा टारगेट है, ठीक है, और ये मेरी डर्बी मिसाइल, उसने यहाँ पे माफ़ कीजिएगा उल्टा बना दिया, ये है डर्बी मिसाइल और ये है टारगेट, इसने मतलब जो चीज़ है अपना टारगेट अचीव किया, और टारगेट फिक्स नहीं था, ये मूवेबल टारगेट था, मूवेबल भी नहीं, हाई स्पीड मैन्यूवर करने वाला, यानी हवा में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उड़ने वाला टारगेट था, उसको डर्बी मिसाइल ने पेनिट्रेट किया। उसके बाद पाइथन पे फिर से आते हैं और कहते हैं पाइथन मिसाइल ऑल्सो अचीव 100% हिट्स, यानी पाइथन मिसाइल और डर्बी मिसाइल दोनों ने ही 100%, यहाँ पे पाइथन मिसाइल ने आपके 100% हिट्स अचीव किए हैं, ठीक है, और डर्बी मिसाइल ने भी। अब कह रहे हैं देयर बाय वैलिडेटिंग देयर कंप्लीट कैपेबिलिटी। अब कह रहे हैं भाई, डर्बी और आपकी पाइथन 5 मिसाइल दोनों कंप्लीटली कैपेबल हैं टारगेट्स उड़ाने के, इस चीज का वैलिडेशन हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऑफिशियल्स का यह भी कहना है कि जो आपके ट्रायल्स हुए हैं, ट्रायल्स मेट ऑल देयर प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन, अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं भाई, तो इस पूरे फलसफे का कंक्लूजन क्या निकला, राइट? तो यहां पे आप देखो कंक्लूजन क्या होगा, पाइथन 5 मिसाइल विल गिव एन अपर हैंड टू इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात आ रही है भाई, पाइथन 5 मिसाइल है वो इंडियन एयरफोर्स को एक अपर हैंड दे देगी, कब? जब कोई डॉग फाइट हो बिटवीन, पॉसिबल डॉग फाइट हो बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, सॉरी चाइना एंड इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, उस केस में। चलिए देखते हैं कैसे होता है। सपोज ये हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, अब ये है आपका पाकिस्तान और ये है चाइना और यहाँ पे इंडिया। अब इन केस पिछले साल जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के रिस्पांस में पाकिस्तान ने हमें इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, तो हमारे जो कैप्टन सॉरी विंग कमांडर थे अभिनंदन वर्धमान, उनका जेट पाकिस्तान एलओसी के पास चला गया, एंड हुआ कुछ यूं कि वहां पर ये जेट उनका इंटेंशनली हिट किया गया और इसको क्रैश कर दिया गया, ठीक है। और व्हाट इफ अगर दोबारा कुछ बालाकोट जैसी सिचुएशन बनती है या पाकिस्तान ऐसी डॉग फाइट में इंगेज करता है, तो पहले तो हम इस केस में हमें बाहर जाना पड़ा, अब अगर पाकिस्तान अटैक करता है तो हम पहले ही बियॉन्ड विजुअल रेंज, हम बिना देखे ही दूर से ही ये पता करके कि पाकिस्तान का कोई जेट है या कोई दुश्मन जेट है, उसको इस मिसाइल से हिट कर सकते हैं एंड दैट विल बी रूइंड, वो खत्म हो जाएगा, राइट? और सेम विल बी अप्लाइड ओवर द केस ऑफ चाइना, ठीक है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।